की बॉडी में थकान रहती है और हम मेडिसिन भी उसकी लेते हो। अजय डिस्ट्रिक्ट मोगा से, अजय सिस्टर का नाम जस्सी है, अजय इस समय सिंगापुर में है। अजय सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 33 साल हो गए थे जो उस समय से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी, कमजोरी रहती थी और जे बहुत ज्यादा 33 साल से मेडिसिन खा रहे थे, बहुत ज्यादा इन्होंने मेडिसिन खाई और इन्होंने बताया कि इनको इतनी ज्यादा वीकनेस रहती थी जे घर का काम भी नहीं थे कर सकते, कभी इनको बुखार की प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी इनकी बॉडी में सेल्स कम हो जाते थे और इन्होंने बहुत सारी अलग अलग डॉक्टरों से मेडिसिन खाई और इन्होंने बताया कि 33 साल में टोटल इन्होंने 50,000 रुपया खर्च कर दिया था, इतनी मेडिसिन खा रहे थे और जे बहुत परेशान थे और जे बता रहे कि इस प्रॉब्लम्स के कारण जे काफी वीक हो गए थे। और जे सिस्टर ने बताया कि जैसे जे 20 मार्च की मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे और जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जे सिस्टर ने बताया कि प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि किसी को थकान कमजोरी की प्रॉब्लम है और वो ताकत के कैप्सूल ले रहे हैं। और जे बहन उस समय से ही 33 साल हो चुके थे कि जब से जे ताकत के मेडिसिन खा रहे थे और जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया, सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। आपकी बॉडी में थकान रहती है और हम मेडिसिन भी उसकी लेते हो, आप ताकत की मेडिसिन लेते हो उस चीज की, आपकी बॉडी में थकान रहती है और आप मेडिसिन लेते हो ताकत की, खुदा का आत्मा आपको छुराए और आप आज फ्री हो रहे हो। रिसीव करो, मैंने कहा रिसीव करो। अब ताकत की मेडिसिन आपकी बॉडी में थकान रहती है जिससे आप वीकनेस, आपको कमजोरी है, रिसीव करो। और जैसे इन्होंने रिसीव किया और जो पॉजिटिव विश्वास में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, धन्यवाद देते रहे कि परमेश्वर जैसे जो आपने वर्ड अपने दास के द्वारा दिया, निश्चय आप मेरे जीवन से इस प्रॉब्लम को खत्म कर चुके हो। और जो विश्वास में बने रहे, आज ये सिस्टर बता रही कि इनकी बॉडी में कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस थकान की प्रॉब्लम नहीं इनको लगती, अपना काम भी कर रहे और कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहे अभी जी ताकत की, जो पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। यसुदे लहू दीजा, बोलो यसुदे लहू दी, यसुदे लहू दी, यसुदे लहू दीजा, बोलो यसुदे लहू दी, यसुदे लहू दीजा, बोलो यसुदे। अगर आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।